बहुत जबरदस्त अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से मशहूर है, बड़े जबरदस्त वली काबिल थे। इनके वालिद साहब ने इनको बचपन में एक कीमती अंगूठी दिलाई, अंगूठी समझते हो ना भाई, कीमती अंगूठी दिलाई। बचपन था हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का और बहुत कीमती अंगूठी वालिद साहब ने दिलाई। उस अंगूठी को पहन कर हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहीं खेल रहे थे, छोटा बच्चा खेलता है, खेल रहे थे तो किसी धोखेबाज ने हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की अंगूठी को देख लिया और मिठाई की लालच में अंगूठी को ले लिया। छोटे बच्चों को क्या लालच होती भाई, चॉकलेट की लालच दो, मिठाई की लालच दो, उसको क्या पता कि ये कीमती अंगूठी है, ये बहुत अहम अंगूठी है। तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने मिठाई की लालच देकर वो अंगूठी हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से उतार ली। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह घर पर आए, वाली साहब ने देखा कि हाथ में अंगूठी नहीं है, पूछा बेटा तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई, मेरे जो तुम्हें कीमती अंगूठी दिलाई थी। तो शेख सादी तो मासूम बच्चे ने कहा कि अब्बा जान मैं खेल रहा था और किसी ने मुझे मिठाई दी और मिठाई देकर ये अंगूठी, अरे बोलो ना, मिठाई देकर ये अंगूठी ले ली। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब ने फरमाया बेटे एक पैसे की मिठाई के बदले में इतनी कीमती अंगूठी तुमने दे दी है, कितना बड़ा नुकसान कर लिया है, लेकिन सुन लो तुमने अंगूठी दे दी कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी, धोखेबाज ले गया कोई बात नहीं अल्लाह की मर्जी, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें कीमती अंगूठी दिलाई थी तुमने उसको एक पैसे की मिठाई में गवा दी है, एक पैसे की मिठाई में खो दी है। इसी तरीके से तमाम कायनात के रब ने भी तुम्हें एक कीमती मोती दिया है। क्या फरमाया, तमाम कायनात के पैदा करने वाले रब ने तुम्हें एक कीमती मोती दिया है, वो मोती है ईमान, वो है हीरा ईमान का, उसको मिठाई की लालच में खो न देना। यानी दुनिया की लज्जतें मिठाई की तरह है, दुनिया की लज्जतें मिठाई की तरह है और शैतान धोखेबाज वो लज्जतों को लिए फिरता है। तो ऐसा ना हो कि तुम्हें दुनिया की लज्जतें शैतान देकर वो ईमान का कीमती हीरा तुमसे छीन ले। अंगूठी तो चली गई कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी, लेकिन ईमान अगर खो गया तो दुनिया भी बिगड़ जाएगी और आखिरत भी बिगड़ जाएगी। अल्लाह हम सबको ईमान की कदरदानी की तो